नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HTML पैराग्राफ्स को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, HTML के अंदर जब हम पेज बनाते हैं तो पेज के जो डिटेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई स्टोरी लिख रहे हो या कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो जो आपका कंटेंट है वो सारा का सारा एक साथ नहीं होता और इंस्टेड वो अलग अलग पैराग्राफ्स में होता है। तो पैराग्राफ्स को HTML में लिखने के लिए हम पी एलिमेंट का यूज करते हैं। तो पी एलिमेंट कुछ इस तरीके से होता है, पी स्टार्ट टैग, उसके बाद उसमें हम कंटेंट लिखते हैं और फिर पी एंड हो जाता है। तो इसको मैं ट्राई इट योरसेल्फ में करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे तीन पैराग्राफ्स लिखा हुआ है और मैं दिस इज फोर्थ पैराग्राफ, ओके। और यहाँ मैं इस पैराग्राफ को थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ का कंटेंट काफी बड़ा कर दिया है और यहाँ मैं पैराग्राफ को क्लोज कर लेता हूँ। तो देखिए, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो ये पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ गया। अगर मैं फिर से एक नेक्स्ट पैराग्राफ लेता हूँ तो वो पैराग्राफ जो है, देखिए ये मैंने एक पैराग्राफ और कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ देखिए, तो ये फोर्थ पैराग्राफ था, ये कंप्लीट, और ये फिफ्थ पैराग्राफ है। हर पैराग्राफ के बीच में एक स्पेस होता है जो ऑटोमेटिक ब्राउजर लगा देता है जब वो टी एलिमेंट को देखता है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पैराग्राफ्स में के बीच में अगर हम स्पेस देते हैं तो क्या ब्राउजर उसे डिस्प्ले करता है या नहीं। तो यहाँ इस एग्जांपल में देखिए, दिस पैराग्राफ यहाँ लिखने के बाद हमने एक ब्रेक दे दिया, कंटेन्स अ लॉट ऑफ लाइंस इन द सोर्स कोड बट द ब्राउजर इग्नोर्स इट। तो ये कह रहे हैं कि आप कैसे भी पैराग्राफ में लिखो, ब्राउजर्स जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है, मतलब पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट लाइन है या ये इसके बाद लाइन आपने दे दिया है, तो वो उसको इग्नोर करके सिंगल लाइन में ब्राउजर डिस्प्ले करेगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए पहला पैराग्राफ में हमने ब्रेक्स दे दिया लेकिन आउटपुट में क्या आया, देखिए एक साथ पूरा का पूरा आ गया। इट मीन्स ब्राउजर इग्नोर्स स्पेसेस एंड एक्स्ट्रा लाइन्स। यहाँ पे भी देखिए, कंटेन्स अ लॉट, या कितने सारे स्पेस दे दिए, लेकिन इसका आउटपुट अगर आप देखो यहाँ पर तो स्पेस सिर्फ एक ही आया। सो कभी भी जब आप पैराग्राफ टैग के अंदर चाहे एक स्पेस दो या दस स्पेस दो, आउटपुट में हमेशा आपको एक ही स्पेस ब्राउजर डिस्प्ले करेगा। तो अगर इन केस आपको जरूरत हो कि मुझे कुछ ऐसा ही चाहिए, मतलब स्पेसेस चाहिए, तो हम क्या करें, उस केस में हम यूज कर सकते हैं पी आर ई टैग। लाइक सपोज हमारे पास ये एक पोएम है और इस पोएम को हमें डिस्प्ले करना है इसी तरीके से, तीन चार स्पेसेस हो बीच में इस तरीके से। एक तो एक ऑप्शन है हमारे पास, हम अलग अलग पी टैग यूज करें। दूसरा हमारा है प्री टैग। प्री टैग का मतलब होता है प्री एलिमेंट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। अब इसमें देखिए, अगर मैं प्री टैग के अंदर लिख देता हूं तो ये एज इट इज आपको यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। जैसे हेलो, यहाँ पे मैंने ये हेलो लिखा और ये देखिए इतने स्पेसेस मैंने यहाँ रखे हैं, और यहाँ पे मैं ज्यादा और रख लेता हूँ, बाय कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ तो देखिए हेलो और बाय ये इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। तो प्री टैग यूज करके एज इट इज जितने स्पेसेस आप चाहते हो और जितने लाइन ब्रेक्स आप चाहते हो, एज इट इज वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अगर एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात है कि जो इसका जो टेक्स्ट का फॉन्ट साइज है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देखिए, अब ये इसने स्पेस भी ले लिया, तो ये हमारा है प्री एलिमेंट, ओके। अब हम पैराग्राफ्स के बीच में समटाइम्स हमें क्या जरूरत होती है, दो पैराग्राफ्स के बीच में हम एक सपोज हॉरिजॉन्टल लाइन चाहते हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जैसे यहाँ देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइंस है, मतलब ताकि आप बता सको कि भाई ये सेक्शन वन है, सेक्शन टू है, सेक्शन थ्री है। तो इसके लिए आप सिंपल सा एक एम्प्टी एलिमेंट होता है एच आर, जिसका मतलब होता है हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एच आर लगा दिए है दो, तो यहाँ पे आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आ चुका है। सो दिस इज ऑल्सो क्लियर।
नेक्स्ट हमारा है बी आर टैग, जिसे कहते हैं लाइन ब्रेक करने के लिए हम यूज करते हैं। कभी भी कहीं भी आपको ब्रेक देना है, जैसे सपोज आप इस तरीके का आउटपुट चाहते हो, दिस इज अ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के अंदर भी आप एक बी आर टैग यूज कर सकते हो, स्पेसिफिक इस जगह के बाद मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है, तो दिस इज के बाद ऑटोमेटिकली आपका नेक्स्ट लाइन पे आ जाएगा अगर आप बी आर टैग यूज करते हो। चलिए ये भी क्लियर है। पोएम प्रॉब्लम मैंने सॉल्यूशन उसका बता दिया प्री टैग में, और यहाँ पर ये एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई कर सकते हो। यूज द करेक्ट एचटीएमएल टैग टू ऐड अ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ ऐड करना है तो सिंपली आप पी टैग यूज करके हेलो वर्ल्ड लिखोगे, पी टैग करोगे, ट्राई करके देखना आप और बताना। तो इस वीडियो में मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में बताया, एच आर टैग हॉरिजॉन्टल रूल टैग के बारे में बताया, ब्रेक टैग के बारे में बताया, और प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट प्री टैग के बारे में भी बताया। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट में आप मेरे से पूछ सकते हो। मिलता हूँ अगली वीडियो में HTML स्टाइल्स के साथ। थैंक यू।